हम लोगों को सहमति पत्र मिला है। रांची के मोरहाबादी में पिछले 37 दिनों से चल रहे सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया। आंदोलन सहायक पुलिस कर्मियों और सरकार के बीच सहमति बन गई। 2 महीने में 8 मांगों पर कमेटी बनाकर एक्शन लिए जाने के बाद सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान से अपने घर लौटने पर राजी हो गए। सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधि अजय मंडल ने बताया कि उनकी 1 मांग को छोड़कर अन्य मांगे मान ली गई है। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि स्थायीकरण और झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग के अतिरिक्त सारी मांगे सकारात्मक है और पहल करने योग्य है। वहीं इस मामले में सरकार की ओर से 2 महीने का समय मांगा गया है। कहा गया है कि इस दौरान एक कमेटी बनेगी जिससे सभी मांगों को बिंदुवार ढंग से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दूं, जिस सहमति पत्र की बात की चर्चा की जा रही है, उस सहमति पत्र पर सहायक पुलिस कर्मियों के सभी प्रतिनिधियों ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले सहायक पुलिस कर्मियों से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पहुंचे थे। बंधु तिर्की ने एक प्रतिनिधि के साथ साथ मानवता की भी मिसाल पेश की। इनकी जो नियुक्ति में जो पूर्व की सरकार क्या की नहीं की, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हो सकता उनके द्वारा किया गया वो भी ठीक था, कुछ गलती हुआ तो वर्तमान की सरकार को उसको सुधारना है। विगत लगातार 37 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है और इस दरमियान में हम 3 दिन लगातार इन लोगों के साथ में, हमको लगा कि बातचीत करनी चाहिए तो हम इन लोगों से, हमारे पास आए थे, बातचीत हमने किया और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और इन बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर चिंता व्यक्त की और उन्हीं के निर्देशानुसार ही मैंने कल इन लोगों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री पदाधिकारियों के साथ उनके निर्देशानुसार गृह विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों का बातचीत हुआ, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल वगैरह लोग थे, बातचीत किए पूरा और बातचीत के दरमियान में बिल्कुल सरकार के मंशा साफ है। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनकी ओर से छठ और दिवाली को लेकर आर्थिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए। देखिए, हम लोगों को सहमति पत्र मिला है। माननीय विधायक जी भी हम लोगों के पक्ष के लिए 2-3 दिन से लगे हुए थे। हम लोग भी कल वार्ता के लिए भी गए हुए थे, वार्ता भी हो रही थी, हम लोग भी बता रहे थे कि वार्ता हम लोगों की पॉजिटिव ही हो रहा है, लेकिन वो हर तरफ से बिंदुवार तरीका से बातचीत हुआ। फाइनली सहमति पत्र अभी हम लोगों की तरफ से साइन होकर गया है, वहाँ से साइन होकर आकर हम लोगों को मिलेगा। 2 महीने का समय लिया गया है। हम सरकार से बार बार ये भी निवेदन करते थे, क्योंकि कमेटी गठित की गई है, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का जो भी विश्वास है, सरकार और सरकार के जितने भी मंत्री विधायक हैं, उन लोगों का कर्तव्य और उनसे निवेदन है कि इस बिंदु पर वो सकारात्मक रहे और जो भी समय है उस समय में हम लोगों का मांग का जितना बिंदुवार तरीका है उस पर हम लोगों का निष्कर्ष निकालने का कोशिश करें। आप लोग आज आंदोलन खत्म कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों का पेपर, हम लोगों को सहमति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग आंदोलन से वापस होंगे।